शुक्रवार को सरायकेला जिले के अधिकपुर स्थित ईटा गालोडी कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता के कार्यालय के समक्ष झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी भूत द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके माध्यम से इन्होंने निम्न उच्च वर्गीय लिपिकों को वर्गीकृत करते हुए उन्हें उच्च वर्गीय प्रधान लिपिक एवं प्रधान सहायक के पद पर प्रोन्नत किए जाने एवं मुख्य अभियंता के पत्रांक संख्या 2440 को भ्रामक बताते हुए उसमें जारी वरीयता सूची को रद्द करने एवं 27 मार्च 2010 के बाद से अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति के लिए कंप्यूटर ज्ञान की अनिवार्यता समाप्त किए जाने की मांग रखी है। वैसे इससे पूर्व भी इनकी ओर से मांगों को लेकर आंदोलन किया जाता रहा है। इन्होंने आज के बाद भी मांगों पर विचार नहीं किए जाने की सूरत में कल से कार्यालय अवधि के भोजनावकाश पर मुख्य अभियंता के कार्यालय के समक्ष धरना देने का ऐलान किया है। आप पूरी रिपोर्ट देख रहे थे इंडिया न्यूज वायरल की ओर से। परियोजना के कर्मचारीगण है झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से वर्षों से हम लोगों की ACP, MACP, स्थायीकरण, UDCC, LDC, स्टोर कीपर का, स्टेनों का, विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों का प्रोन्नतियाँ और स्थायीकरण लंबित है। हम लोग कई एक बार लिखित दिए, मौखिक दिए, शिष्टमंडल मिला, परंतु मुख्य अभियंता महोदय के द्वारा हमारे कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशीलता दर्शाते हुए आज तक हमारी कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। बाध्य होकर के महासंघ द्वारा दिसंबर 2020 में ये निर्णय लिया गया था कि 21 तारीख तक यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 22 तारीख को हम लोग मुख्य अभियंता के यहाँ एक दिवसीय धरना देंगे। अगर उसके बाद मांगें पूरी नहीं होती हैं तो प्रत्येक कार्य दिवस के दिन भोजनावकाश के समय में मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष हमारा प्रदर्शन और नारेबाजी का कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होती है। ये हमारा महासंघ का निर्णय है, सारे कर्मचारियों का निर्णय। मैं विमल कुमार सिंह, सम्मानित अध्यक्ष प्रांतीय राजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी। MACP ACP का मामला है, उस 104 आदमी में 60 आदमी थर्ड ग्रेड के हैं और 44 आदमी फोर्थ ग्रेड के हैं। उनकी कार्रवाई कर ली गई है, पेपर फॉर्मेलिटी हो रही है, उसके बाद ये निकल जाएगा। वो डे ऑफ दो का मामला, एक और दो दिन का मामला है। स्थायीकरण में मामला 21 आदमी का है, उसका भी कम्प्लीट हो चुका है, वो भी पेपर के फॉर्म में, वो भी निकल गया है। अभी इन लोग से वार्ता हो चुकी है, ये लोग भी संतुष्ट हुए हैं कि हाँ पेपर मेरा निकल रहा है, इसलिए आंदोलन समाप्त।